वेलकम फ्रेंड्स, आवर यूट्यूब चैनल इजी टू लीव। मैं हूं संजीव स्कोत्रा, आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज सब सरफेस इरिगेशन। सो पिछली वीडियो में फ्रेंड्स हमने बात करी थी सरफेस इरिगेशन के बारे में, और हमारे पास दो टॉपिक बच गए थे, वो थे हमारे पास सब सरफेस इरिगेशन और नेक्स्ट टॉपिक इज अवर स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो सब सरफेस इरिगेशन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस दैट इन विच वी प्रोवाइड द वाटर सप्लाई डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप। कि हम सीधा क्या करते हैं, क्रॉप की रूट जोन में वाटर प्रोवाइड करते हैं। दिस सिस्टम इज नोन एज सब सरफेस इरिगेशन। ओके, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन मेरे पास टू टाइप की इरिगेशन होती है। फर्स्ट वन इज अवर नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन एंड सेकंड वन अवर आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। इन दो सिस्टम को, इन दो टाइप्स को पढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि सब सरफेस इरिगेशन के लिए मेरे पास फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है। इसलिए मेरे पास फर्स्ट कंडीशन आती है एग्जिस्टिंग ऑफ हाई वाटर टेबल। सब सरफेस इरिगेशन की बात है तो जो मतलब वाटर इसमें सप्लाई करेंगे जो रूट जोन में, वो कहां पे होगा? सब सरफेस। सब सरफेस का कहने का मतलब अगर मेरे पास वाटर साइल में प्रेजेंट है या फिर एग्जिस्टिंग ऑफ हाई वाटर टेबल, अगर मेरे जिस लैंड को मैं इरीगेट कर रहा हूं वहां पे वाटर टेबल हाई है, तो मेरा क्या हो जाएगा वहां पे? सब सरफेस इरिगेशन हो जाएगा। क्योंकि एक कैपिलरी फ्रिंज एक्शन होता है, अगर आपने पढ़ा हुआ तो कैपिलरी फ्रिंज एक्शन में क्या होता है, अगर मेरा पास वाटर टेबल हाई है, वाटर टेबल हाई है तो मेरे पास क्रॉप की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, कैपिलरी फ्रिंज एक्शन से वो क्या कर देती हैं, पानी वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाती हैं। और ये जो एक जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है इन दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज सब सरफेस इरिगेशन। परमिएबल ऑफ साइल लोम एंड सैंडी लोम। अगर मेरे पास साइल जो है वो परमिएबल है, इसमें इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी अच्छी है, वहां पर भी मैं सब सरफेस इरिगेशन कर सकता हूँ। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म टोपोग्राफी कंडीशन। अगर मेरे पास टोपोग्राफी कंडीशंस यूनिफॉर्म है, जो मेरी लैंड है उसकी जो टोपोग्राफी है वो लेवल है, यूनिफॉर्म है, तो वहां पे भी ये कंडीशन जो है वो फेवरेबल है। मॉडरेट स्लोप, अगर मेरे लैंड की मॉडरेट स्लोप है तो ये कंडीशंस सेटिस्फाई है, वहां पे मैं सब सरफेस इरिगेशन कर सकता हूँ। थर्ड इज अवर लास्ट वन इज अवर गुड क्वालिटी इरिगेशन वाटर। सब सरफेस इरिगेशन में अगर हमारे पास वाटर टेबल हाई है तो उस लैंड को हम गुड क्वालिटी इरिगेशन क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो टू टाइप्स की मेरे पास सब सरफेस इरिगेशन होती है, मैंने आपको पहले बताया नेचुरल सब सरफेस और आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। तो नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन में क्या मेथड्स है हमारे पास, इसमें क्रॉप जो है, क्रॉप जोन जो है वो क्रॉप की रूट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है कैपिलरी फ्रिंज के थ्रू फ्रॉम द ग्राउंड वाटर टेबल। अगर मेरे पास ग्राउंड वाटर टेबल जो है, लैंड का जो वाटर टेबल जो है वो अगर हाई है, तो उस प्रोसेस से मैं क्या करता हूँ, मेरी जो क्रॉप की रूट्स होती हैं वो वाटर क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कहां से, वाटर टेबल से। तो दैट इज नोन एज अवर नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट मेथड अवर आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। आर्टिफिशियल मीनिंग से ही आपको पता चल रहा होगा कि आर्टिफिशियल की जो हम इक्विपमेंट जो हम अपने से ऑपरेशंस प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल ना होके आर्टिफिशियल वे है, दैट इज नोन एज अवर आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। इसमें क्या है, हम हमारे पास कोई लैंड्स है, हम पाइप्स ले आउट कर देते हैं, लेट कर देते हैं लैंड्स में इस तरीके से। मान लो ये मेरे पास एक कोई लैंड है, मैंने जहां पे क्या कर दी हुई है, पाइप्स क्या करते हैं, लेट आउट कर दी है, वो पाइप्स क्या होंगे, परफोरेटेड पाइप होंगे, उनको क्या होगा, शेड होंगे, इस तरीके से होल्स होंगे। ये मेरे पास लैंड है, मैंने क्या कर दिया हुआ है, इसको परफोरेटर कर दिया हुआ है। अब जैसे ही मैं, मेरे पास मेन चैनल आती है, एक मेरे पास जहां पे पंप होगा, टैंक होगा, मान लो ये मेरे पास एक टैंक है, टैंक से मेरे पास क्या आ रही है, सप्लाई आ रही है, सप्लाई आ रही है इस परफोरेटर पाइप में, इस प्रेशर के थ्रू जो मेरे पास लोप होगी इसकी प्रेशर, और जहां पे क्या होगा, ये परफोरेटर पाइप जा रही है, वाटर को फोर करना शुरू होगी, वाटर सेपरेट करना शुरू हो जाएगी। तो दिस मेथड इज नोन एज आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन।